वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्मेलन और बैठक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स। ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 7 जनवरी 2019 को जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? 106वां संस्करण था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसका आयोजन किया गया था पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस समारोह का विषय ध्यान में रखिए, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में भावी भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका विषय था। 21 से 23 जनवरी 2019 को 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो पहली बार इस समारोह का आयोजन वाराणसी में किया गया था और 21 जनवरी को इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस समारोह में चीफ गेस्ट बनाए गए थे प्रविंद जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इस समारोह का विषय क्या था? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका इसका विषय था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर 2 वर्ष में एक बार भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट, 7 से 8 नवंबर 2019 को प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इस तरह से बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का ये पहला ही संस्करण था। ठीक है, बिम्स्टेक का कई बार फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका मुख्यालय है ढाका में। ठीक है, आपको बता दें कि पिछले वर्ष यानी 2018 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 4वां संस्करण का आयोजन किया गया था नेपाल के कैपिटल काठमांडू में, और अगला संस्करण यानी 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कोलंबो में किया जाएगा। 13 से 14 नवंबर को ब्रासिलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण था, जिसका आयोजन ब्राजील के कैपिटल ब्रासिलिया में किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका विषय भी ध्यान में रखिए। इस सम्मेलन का विषय था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेशन फ्यूचर, हिंदी में नवाचार भविष्य के लिए आर्थिक विकास इसका विषय था। ब्रिक्स जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं BRICS, यहाँ से बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, यानी 5 देशों का ये संगठन है ब्रिक्स। इसका मुख्यालय शंघाई में है। जून 2019 में बैंकॉक में आसियान शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन का ये 34वां संस्करण था, जिसका आयोजन जून महीने में थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में किया गया था। विषय ध्यान में रखिए, साझेदारी को बढ़ावा देना और सतत विकास को प्राप्त करना इस सम्मेलन का विषय था। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए, इसी वर्ष इस सम्मेलन के 35वां संस्करण का भी आयोजन किया गया है, कहाँ पर? बैंकॉक में ही, 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और 35वां शिखर सम्मेलन का विषय था सतत विकास में सहयोग बढ़ाना, इंग्लिश में एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और 35वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, 28 से 29 जून 2019 को पहली बार किस देश में G20 शिखर सम्मेलन के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जापान में, जापान का एक शहर है जिसका नाम है ओसाका, तो इस सम्मेलन का आयोजन ओसाका में किया गया था। तो ध्यान में रखिए, पहली बार जापान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये 14वां संस्करण था।
इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। G20 शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण का आयोजन यानी 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। कब? 2020 में। 24 से 26 अगस्त 2019 को 45वें G7 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन बियारिज में किया गया था। बियारिज कहाँ पर है? ये फ्रांस का एक शहर है, बियारिज। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जो G7 कंट्रीज हैं उसका सदस्य देश भारत नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 13 से 14 जून 2019 तक बिश्केक में आयोजित 19वें शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, तो SCO के शिखर सम्मेलन का ये 19वां संस्करण था, जिसका आयोजन किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा, ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया था? 13 से 14 जून 2019 को, लेकिन हाल ही में 1 से 2 नवंबर 2019 को SCO की गवर्निंग काउंसिल के 18वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में किया गया था। इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन बिश्केक में किया गया था, लेकिन 1 से 2 नवंबर को SCO की गवर्निंग काउंसिल के 18वें संस्करण का आयोजन ताशकंद में किया गया था, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। SCO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 21 से 24 जुलाई 2019 को हैदराबाद में आयोजित 13वें वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। 2 से 13 दिसंबर 2019 को 25वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। आपको बता दें कि ये सम्मेलन जो है चिली में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश अब चिली में नहीं होगा, अब इसका आयोजन किया जाएगा स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। ठीक है, UNCCC, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे कॉप का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 10 से 11 जुलाई 2019 को मीडिया स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पहली बार मीडिया स्वतंत्रता पर शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, राज्यसभा सांसद और पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक कंचन गुप्ता, इन तीनों लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस शिखर सम्मेलन में। 13 से 14 फरवरी 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 किस शहर में संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी सही उत्तर है, ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय जल आयोग तथा ओडिशा सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का ये 5वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, 7 से 8 नवंबर 2019 को नो मनी फॉर टेरर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो नो मनी फॉर टेरर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था। इसका उद्देश्य
आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है, इसीलिए नो मनी फॉर टेरर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन मेलबर्न में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वाई सी मोदी सहित भारत के 5 सदस्यों ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नो मनी फॉर टेरर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा 2020 में। 9 से 12 अक्टूबर को जलवायु परिवर्तन की समस्या को रोकने के लिए C40 जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कोपेनहेगन में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की कैपिटल है। आपको यहाँ पर बता दें कि C40 जलवायु शिखर सम्मेलन को ही C40 मेयरों का शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 96 सदस्य शहरों के मेयर भाग लेते हैं और इस सम्मेलन का आयोजन हर 3 वर्ष पे एक बार किया जाता है। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था इस बार कोपेनहेगन में। 17 से 30 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के किस अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 74वां अधिवेशन था जिसका आयोजन यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को इस महासभा को संबोधित किए। 24 से 27 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शार्क बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया केरल के कोची में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यहाँ पे ये जो शार्क है ये संगठन वाला शार्क नहीं है, ये मछली वाला शार्क है। इसका बैठक किया गया था कोची में। इसका आयोजन किया था भारत के समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर, और इस बैठक में यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, पेरू, श्रीलंका, ब्राज़ील आदि देशों ने भाग लिया था। 15 से 16 जनवरी 2019 को मुंबई में वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन का ये पहला ही संस्करण था जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था। इसका आयोजन किसने किया था? भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय था फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन। इस सम्मेलन का विषय था। जुलाई 2019 में 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का ये 5वां संस्करण था। इसमें देश विदेश की अनेक कंपनियों ने अपने आधुनिक हथियारों सहित अनेक उपकरणों का प्रदर्शन किया था और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है। 11 से 13 अक्टूबर 2019 को प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेले का ये पहला ही संस्करण था। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय 2022 तक दुगुना करना था। ठीक है, इस उत्सव में 35 देशों के 150 से अधिक सहकारी समितियों ने भाग लिया था। 22 से 29 सितंबर 2019 के मध्य कंपाला युगांडा में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का ये 64वां संस्करण था। इसका आयोजन अफ्रीकी देश है युगांडा, तो युगांडा के कंपाला में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तेजी से बदलते राष्ट्रमंडल में संसद का अनुकूलन, संलग्नता और विकास, इंग्लिश में एडॉप्शन, एंगेजमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन रैपिडली चेंजिंग कॉमनवेल्थ, इसका विषय था। अच्छा, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में
2019 में जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन और बैठक हुए उन सब के बारे में डिस्कस कर लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं इसी तरह से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा।